गुड मॉर्निंग एवरीवन, वी आर सेकंड ईयर्स। आज आपका पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग, आज आपका टॉपिक है मोलाम। मैं आपको मोलाम पढ़ा रही थी। मोलाम पे मैंने आपको अव्यवस्थित आंकड़ों से मोलाम की गणना सिखाई थी और व्यवस्थित आंकड़ों से मोलाम की गणना के मैंने आपको 3 सूत्र बताए थे। मैं आज आपको करवाती हूँ व्यवस्थित आंकड़ों से मोलाम की गणना। Okay।
8
नीचे
आई। ये है हमारा तीसरा सूत्र। इसमें एल का मतलब वही सर्वाधिक आवृत्तियों वाले, सर्वाधिक आवृत्तियों, सर्वाधिक आवृत्तियों वाले वर्गांतर, वर्गांतर की निम्न सीमा। ठीक है, एफ एम का एफ एम वन, एफ एम वन का मतलब होगा सर्वाधिक, सर्वाधिक आवृत्तियों वाले, सर्वाधिक आवृत्तियों वाले वर्गांतर, वर्गांतर के ठीक ऊपर वाले, ठीक ऊपर वाले वर्गांतर की आवृत्ति। क्या है एफ एम का मतलब? एफ एम वन। फिर है एफ एम टू, सर्वाधिक, सर्वाधिक आवृत्तियों वाले, सर्वाधिक आवृत्तियों वाले वर्गांतर के ठीक नीचे वाले, ठीक नीचे वाले वर्गांतर की आवृत्ति, ठीक नीचे वाले वर्गांतर की आवृत्ति, और सी आई वर्गांतर का आकार, वर्गांतर का आकार। एल, एल का मतलब आपको पता ही है, सर्वाधिक आवृत्ति वाले वर्गांतर की निम्न सीमा। एफ एम वन सर्वाधिक आवृत्तियों वाले वर्गांतर के ठीक ऊपर वाले वर्गांतर की आवृत्ति। एफ एम टू सर्वाधिक आवृत्तियों वाले वर्गांतर के ठीक नीचे वाले वर्गांतर की आवृत्ति, और सी आई वर्गांतर का आकार। अब Bye।
सामग्री से बहुलांग की गणना कीजिए। सीआई है 27, 28 करने हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के